पुलिस वाला की खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। हम हर बार अपनी खास प्रस्तुति में कुछ नया लाने का प्रयास करते हैं। इस बार भी हम कुछ नया और कुछ खास लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इस बार हम अपराध की दुनिया का सच बताते हैं, तो कई बार हम भ्रष्टाचार की पोल की तह तक आपको लेकर जाते हैं। कई बार हम राजनीतिक गलियारों की पड़ताल करते हैं, तो कई बार हम सामाजिक मुद्दों को लेकर आपके सामने खड़े होते हैं। लेकिन इस बार हम आपको एक ऐसी अनोखी दुनिया में लेकर जा रहे हैं जिसके बारे में आम लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल रहते हैं। जी हाँ, हम आज एक आम दुनिया से हटकर हम आपको शमशान की अनोखी दुनिया में लेकर चलते हैं, जहाँ एक तांत्रिक ये दावा करता है कि वो अपनी शमशान साधना के बल पर लोगों की समस्याएं समाप्त करने की बात करता है, इस समाज के दुख दर्द दूर करने का दावा करता है। आखिर उसके दावे में कितना दम है, हम अपनी इस तफ्तीश में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हमारे पुलिस वाला के नीमच ब्यूरो ललित चन्हावड़ के साथ शमशान घाट की ओर। अमावस की आधी रात के बाद का समय, घोर और भयावह अंधकार, जिस समय हम सभी गहरी नींद के आगोश में खोए रहते हैं, उस समय घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान में जाकर तंत्र क्रियाएं करते रहते हैं, घोर साधनाएं करते रहते हैं। आखिर क्या होता है आधी रात के बाद शमशान में? कई बार ऐसे सवाल खड़े होते रहते हैं, आपके दिमाग में भी ऐसे ही कई सवालात होंगे। तो चलिए इस बार ढूंढें इसी अनसुलझे सवाल के जवाब के लिए ललित सिंह चुंडावत के साथ पुलिस वाला पोर्टल के लिए मुक्तिधाम से सीधे आपके लिए लाए हैं एक पड़ताल। अमावस की आधी रात पुलिस वाला की टीम घोर अंधकार में नीमच के मुक्ति धाम पर पहुंची, आखिर ये जानने के लिए कि क्या होता है अमावस की आधी रात को शमशान में। शमशान घाट में पुलिस वाला टीम ने अघोरी तांत्रिक एकांतवासी से खास चर्चा की। अघोरी तांत्रिक एकांतवासी से खास चर्चा में इन्होंने बताया कि अघोरी शमशान घाट में तीन तरह से साधना करते हैं, शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। उनके बताए अनुसार शव साधना के चरम पर मुर्दा बोल उठता है और आपकी इच्छाएं पूरी करता है। इस साधना में आम लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान कामाख्या पीठ में होती हैं, अक्सर तारापीठ के शमशान और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में होती हैं। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शिवपीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मंदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े होकर साधना की जाती है। हम नीमच के मुक्तिधाम शमशान पर खड़े हैं। आज ये विशेष पूजा गुरु जी द्वारा की गई है, आम पब्लिक के दुख हरने के लिए विस्तार से गुरु जी बताएंगे पुलिस वाले वेब पोर्टल के लिए। बताइए आज अमावस के दौर पर एक विशेष पूजा जो होती है वो हर अमावस को होती है। आज यहाँ तीन पूजा की गई है, एक शव पूजा की गई है, एक कपाल पूजा की गई है और एक शमशान पूजा की गई है। ये पूजा आम जनता में जो आज इस कलयुग में जो छोटे मोटे दुख आम जनता के रहते हैं, उन दुखों को हरने के लिए मैं विशेष 7 साल से शमशान में लगा हुआ हूँ। निरंतर सुबह शाम पूजा करने आता हूँ और अमावस को विशेष पूजा होती है जो रात में होती है। बाकी तरीके शव साधना की ही तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मंदिरा चढ़ाया जाता है। साधना शुरू करने के पूर्व तांत्रिक ने पहले तो शमशान का मुआयना किया, फिर कुछ बुदबुदाने लगा। इस बीच उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। माहौल में एक अजीब सी गंध थी।
राख और चमड़ी जलने की गंध, उसमें खुली अगरबत्तियों और धूपबत्ती की खुशबू। इस माहौल के बीच अघोरी का रूप बड़ा भयावह लग रहा था। दीपदान के बाद कुछ देर यूं ही बुदबुदाने के बाद तांत्रिक ने बांसुरी और ढोल बजाना शुरू कर दिया। इसके बाद तांत्रिक तेजी से चिता, यानी जहाँ शव रखा होता है, उस जगह के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते समय तांत्रिक चुपचाप कुछ बुदबुदाता रहा और इसके बाद साधना जारी रही। हम काफी देर अघोरी को इसी अवस्था में देखते रहे। अघोरी ने अपना तप जारी रखा। कुछ मिनटों के बाद लगभग एक घंटा व्यतीत हो गया और तांत्रिक एकांतवासी ने बताया कि वो 7 सालों से नीमच के मुक्ति धाम पर हर अमावस को ये पूजा करते हैं। ये पूजा वो लोगों के दुख दर्द दूर करने और शहर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए करते हैं। हम यहाँ आए गुरु जी के पास, हमारा पेट दर्द था और भी समस्या थी, फिर गुरु जी से मिला, उन्होंने पूजा अर्चना की, फिर हमको महसूस हुआ कि हमारा दर्द खत्म हुआ है, समस्या थोड़ी बहुत हल हुई। यहाँ पर ही इस तरह से गुरु जी पूजा कर रहा है, फिर हमने सुना था, हम भी आए गुरु जी के पास और हमारे पेट की तकलीफ थी और भी थोड़े बहुत महसूस कम हुई है। क्या क्या किया यहाँ पे गुरु जी ने? गुरु जी ने 2-3 तरह की पूजा करी है यहाँ पर। आपसे क्या क्या मंगाया था? हमसे तो कुछ नहीं, अगरबत्ती ये मंगाया था। किस तरह से संतुष्टि महसूस कर रहे हैं आप? जैसे अब हमारा शरीर क्या है, थोड़ा स्वस्थ ही, पहले दुख में था इसलिए अभी पेट दर्द भी कम हुआ है हमारा गुरु से मिलने के बाद। कौन से गांव से आए आप? हम चंदू के पास रहने वाला है, सिमकड़ा गांव में। यहाँ का पता किसने दिया था आपको? यहाँ का पता कोई एक मिला था, उनसे लिया था मैंने। उसने क्या बताया था आपको यहाँ? वहाँ गुरु जी के पास जाओ, अच्छा है और काम भी अच्छा है और हर दुख दर्द लेट होता है। आपका नाम? मेरा नाम भारत लाल। मेरे को यहाँ पे आते आते गुरु जी के पास 5 साल हो गए हैं। उसके पहले मैं इनसे मिला नहीं था और 5 साल पहले मिला और मेरे जब तकलीफ थी, मेरे पे किसी ने हवा पवन जादू टोना था, उसके बाद मैं इनसे मिला, उसके बाद इनके साथ आना जाना लगा रहा सुबह शाम पूजा पाठ में। अच्छा गुरु जी, आप ये कितने समय से कर रहे हैं पूजा? ये करीबन मुझे 7वां साल चल रहा है पूजा का। गुरु जी आपको इस लाइन में लाने वाले कौन थे? गुरु में लाने वाले गुरु हमारे कामाख्या में रहते हैं, बंगाल में, माँ कामाख्या में कालू राम जी अघोरी करके हैं, वो हमारे गुरु हैं। उनसे प्रेरणा लेके, उनसे शिक्षा लेके मैं यहाँ निरंतर लगा हुआ और आम जनता को फायदा पहुँचा रहा हूँ। गुरु जी आपको ऐसी क्या आस लगी कि आप इस लाइन में आए और क्या आपको क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? देखो ये जीवन है, जीवन नष्ट हो जाएगा, जो शमशान में खड़े हैं शमशान में अपन भी एक ना एक दिन आ जाएंगे और जल के खाक हो जाएंगे। जीते जी मानव सेवा करने का एक लक्ष्य मैंने जगाया और आप देख रहे हैं 1.5 लाख जनता में मैं इस शमशान में खड़ा हूँ और ये निरंतर पूजा चल रही है। गुरु जी देखा जाता है कि शमशान में आने से सब डरते हैं, तो इसमें ऐसा क्या राज है जो शमशान में आने से सब डरते हैं? डर एक आदमी मन में ही बचा लेता है। आज लगातार 7 साल हो गए और मेरे साथ मेरे काफ़ी भाई लोग भक्तगण मेरे साथ पूजा में सहयोग कराते हैं मेरा, किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। ठीक है गुरु जी, ये चीज़ आप अगर कर रहे हैं तो कितने समय से कर रहे हैं और क्या अच्छा संदेश पहुँचाना चाहेंगे आप जनता को? इस पूजा से मैं आम जनता में, आज जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे मुर्गी का शिकार हो जाती है, जिनका काफ़ी हॉस्पिटलों में पैसे खर्च होते हैं, काफ़ी तरह की बच्चे लोग हवा में आ जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट कहीं नहीं होता, इधर उधर भटकते रहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन हो, मुझसे मिले, कोई पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क पूजा की जाती है और उसे राहत मिलेगी। कितने समय में राहत मिल जाती है? देखो राहत तो आज जब तक अपन कोई चीज़ करेंगे नहीं, उससे पहले उसका सफलता का प्रयास लगाना असफल है। पूजा के बाद ही निर्णय होता है कि कितने समय में इसका काम हो जाएगा। अमावस के दिन की गई पूजा के माध्यम से गुरु एकांतवासी ने 250 से अधिक लोगों के दुख दर्द दूर किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हवा, मिर्गी, लकवा, भूत प्रेत या साया जैसे बड़ी पीड़ाओं से लोगों को छुटकारा दिलाया है। तांत्रिक ने बताया कि वो हर वर्ष अमावस्या से अमावस शमशान में मुर्दों का सामूहिक रूप से ध्यान करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो तांत्रिक ही जाने, लेकिन हमारे ब्यूरो ने जो देखा और जो समझने की कोशिश की उसके अनुसार हमने सारी बातें इस पड़ताल में रखने का प्रयास किया है। तो ये थी पुलिसवाला की खास प्रस्तुति तफ्तीश। अगली बार हम फिर से किसी नए विषय और किसी खास पेशकश को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।
तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद और जय भारत।